बुनियादी तौर से आपको 16-17 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट के लिए और बुलाना चाह रहे थे कि लोग एक रोल मॉडल को देख सकें। मुझे मालूम है कि आपका यूएस का प्रोग्राम है, आप देश में होते तो हम आपको जरूर पकड़ लेते, लेकिन आप अपनी जिंदगी के हवाले से और बच्चों को, वो बच्चे जो बहुत रिसोर्स रिच नहीं है, जिनको बहुत अच्छे हालात नहीं मिले, वो जिंदगी में सक्सेसफुल हों, इसके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, पहले तो मैं माफी मांगता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ नहीं उस समय, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दिल से आपके साथ हूँ और हमेशा इंसान इंतज़ार करता है कि मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ, बहुत पैसे कमा लूँ, नाम कमा लूँ, उसके बाद मैं लोगों की मदद करना शुरू करूँगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर सिर्फ वो जज्बा चाहिए कि वो कल नहीं आज से शुरू हो सकता है, और फिर आप देखते हैं कि जो खुदा है आपको खुद ब खुद वो ताकत बख्शना शुरू करता है कि आप इन लोगों की मदद कर पाएं। और आप जितने स्टूडेंट्स हैं, आप एक दूसरे के रोल मॉडल्स बनिए, एक दूसरे को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलना ऊपर वाले के हाथ में होता है, खुदा के हाथ में होता है, और अगर आपको वो चीज़ से नवाजा जाता है, आपको अंदर वो चीज़ ऊपर वाले ने बख्शा है, तो आप खुद को खुशकिस्मत मानिए और आज से ही, अभी से ही कोशिश कीजिए कि आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, और फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। बोलते हैं कि दुआओं में बड़ा असर होता है, और फिर दुआएं आपको आपके सपनों तक बड़ी जल्दी ले जाएगी, और हमेशा खुश रहें और जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि बच्चे नाकामी को, फेलियर को कभी कभी फेस करते हैं, गिर जाते हैं, हौसला छोड़ देते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे, आप नेगेटिव से पॉजिटिव रोल तक पहुँचे, आप एक ऐसी जगह से आए जहाँ पे कुछ लोग नहीं जानते थे, और आज आपके फिल्म के काम से, आपके सोशल वर्क से दुनिया आपको जानने लगी है। जब आदमी गिर जाए, वो अपने सबसे नीचे लेवल पे हो, दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, उसके सपने टूट जाएं, ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई ऐसा वक्त हर आदमी की ज़िंदगी में आता है, आपकी ज़िंदगी में भी आया होगा, आपने क्या किया जो इनके लिए कुछ एक गाइडेंस का? मैं तो सिर्फ आपसे एक ही लाइन कहना चाहूँगा इस बात के ऊपर कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा, तो इसलिए हौसला रख और वो देखेंगे कि समय बहुत जल्द आएगा। थैंक यू सो मच भाइयों। बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सोनू भाई ना सिर्फ के बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, ये हमें यहाँ आके पता चला है, तो हमारी तंजीम, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं तो हम इनको जरूर अपने अगले प्रोग्राम में लेके आएंगे, ये वादा रहा। सुनू भाई, जरा एक बार आप भी वादा कर लीजिए ताकि बच्चों को हौसला रहे। देखिए, जल्दी मुलाकात होती है, जैसे मैंने बोला कि आज कल जब हम मिलते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, फोन के थ्रू मिलते हैं, मैसेजेस के थ्रू मिलते हैं, बट एक दूसरे से जल्दी ही पर्सनली मुलाकात होगी, बहुत जल्द होगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। थैंक यू। थैंक यू।